हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक जरूर करना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, तीनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट कमेंट है, कोलकाता में सैलरी क्या है 8 घंटे की? भाई 8 घंटे की 17,500 है कोलकाता में। वहाँ का मैं ऑफिस एड्रेस भी दे दूंगा आपको, जिससे आपको जाने में आसानी हो। नेक्स्ट कमेंट है, बात करनी है भाई इंस्टाग्राम पर आप बात कर सकते हो मुझसे। मैं नंबर हर किसी को नहीं दे सकता फिर भी, क्योंकि आपको दूंगा तो सभी लोग मांगेंगे, ज़्यादातर लोग मांगते हैं, लेकिन मैं उनसे यही बोलता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर बात कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है भाई, राजस्थान में सब G4S वाले चोर हैं। भाई ये तो उन सब के ऊपर है, अब इसके लिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, फिर भी आप उनसे बच के रहो। नेक्स्ट कमेंट है दिल्ली सिक्योरिटी की, अभी वैकेंसी है क्या? भाई वैकेंसी निकलती रहती है और वहां पे डेली लोग पहुंच जाते हैं, डेली जाते हैं, और अगर होती है तो वो वहीं से वहीं ज्वाइन हो जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा कर ज्वाइन हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप ऑफिस जाओ और उनका नंबर लो, उनसे 15 दिन में 10 दिन में पूछो, और वो खुद भी बताएंगे कि आपको, वो यही बोलेंगे कि कॉल करके पूछते रहना, ठीक है भाई। ऑफिस एड्रेस मैं आपको दिल्ली का दे दूंगा, वहाँ पे ऑफिस चले जाना। नेक्स्ट कमेंट है, गर्ल के लिए ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी? भाई उनको भी जाना पड़ेगा ऑफिस, अगर सिक्योरिटी में उन्हें ड्यूटी चाहिए G4S में, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है भाई, मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए G4S में, रेवरी गुड़गांव या दिल्ली। भाई मैं आपको गुड़गांव का ऑफिस एड्रेस दे दूंगा और दिल्ली का भी, आप एक बार ऑफिस जरूर चले जाना। नेक्स्ट कमेंट है, G4S में हेड ऑफिस का नंबर मिल सकता है क्या? भाई G4S में हेड ऑफिस वही है जनकपुरी, जनक सिनेमा के पास, वहां का एड्रेस आपको दे दूंगा। नेक्स्ट कमेंट है, G4S सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होना है भैया दिल्ली में? भाई मैं आपको वहां का एड्रेस शो कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो पूरी देखना। और विपिन भाई का कमेंट है, हेलो भाई रिप्लाई ब्रो, यूट्यूब से आया है बात करना है। भाई मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हो, जो भी आपका सवाल है आप बता देना। नेक्स्ट कमेंट है, नंबर तो बताओ फील्ड ऑफिसर का। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फील्ड ऑफिसर का नंबर दे दूंगा दिल्ली के और HR का। नेक्स्ट कमेंट है, प्लीज गार्ड में आई वॉन्ट टू शॉप G4S। भाई आप जहाँ रहते हो आपने लोकेशन नहीं लिखी, आप अगर दिल्ली में रहते हो तो वहाँ पे ऑफिस एड्रेस मैं दे दूंगा, वहाँ पे चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, 8 घंटे की ड्यूटी के लिए क्या पेमेंट देते हैं पर मंथ? भाई 17,500 देते हैं, अगर आपकी नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट ज्यादा होती है तो आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट कमेंट है, हेलो भाई हम बिहार से हैं, आप कहाँ रहते हो? भाई मैं दिल्ली में ड्यूटी करता था, वहाँ पे मेरा घर था, अब मैं राजस्थान में रहता हूँ भरतपुर, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने G4S छोड़ दिया, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं 12th पास हूँ, मुझे लखनऊ के G4S ब्रांच का एड्रेस बताइए। भाई मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और G4S में ज्वाइन होने के लिए जरूरी नहीं कि आप 12th पास हो, 10th पास भी हो सकते हैं, और मैं तब G4S ज्वाइन करने गया था तब मैं 12th पास था, लेकिन मुझसे उन्होंने 10th की मार्कशीट ली थी बस। नेक्स्ट कमेंट है संजय भाई का, हेलो ब्रो कैसे हो यार, एक हेल्प चाहिए थी आपसे। हेलो भाई, क्या आप मुझे दिल्ली G4S की वैकेंसी के बारे में बता दोगे? मैं वहाँ
पता किया मैंने दूसरे स्टेट हूँ, कहा तो उन्होंने मना कर दिया। प्लीज हेल्प अस, मेरे साथ चार भाई और हैं। भाई मैं जब ज्वाइन हुआ था मेरे साथ तीन चार लड़के थे, एक तो मैं तो राजस्थान से था लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस दिल्ली का था, और एक हरियाणा से था और एक बिहार से, और एक लड़का था उसका मुझे कुछ पता नहीं है, वो जॉब के लिए दिल्ली में ही आया था। तब तक उस पर कोई जॉब नहीं थी, कुछ और जॉब करता था शायद, लेकिन बिहार और हरियाणा के वो दो लड़के ज्वाइन हो गए थे। अब उनका मैं कुछ कह नहीं सकता कि अब वो मना क्यों कर रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लेना। और मैंने, अगर आप जनकपुरी गए हो तो भाई उनसे एक और बार पूछ लेना कुछ हो सकता है या नहीं, क्योंकि वो परमानेंट एड्रेस मांगते हैं कि आप अगर जहाँ पे रहते हो जैसे गांव में रहते हो तो वहाँ का परमानेंट एड्रेस आपको देना पड़ेगा, बैंक डिटेल्स और ग्राम प्रधान सरपंच का पुलिस वेरिफिकेशन, ज़्यादातर आपको डॉक्यूमेंट वहीं के देने पड़ेंगे और चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए आप उनसे पूछ लेना एक बार कुछ हो सकता है या नहीं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं सभी के सवालों का जवाब दे चुका हूँ, और वीडियो पूरी देखा करो भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, स्किप कभी मत किया करो। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी बनाऊँ ताकि आप पूरी वीडियो देख पाओ और अच्छे से समझ पाओ।